मैंने मुजीबत कर हवाला दे किया भेजता हूँ पुलिस पर। पंजाब पुलिस को मुर्जम पकड़ाए तो पुलिस ने मुर्जमों को VIP बना दिया और मदई को हवालात के अंदर बंद करके सुलह पर मजबूर करने लगे, मगर मदई भी इंसाफ के लिए खड़ा हो गया। जे CPO को दुखास दी उन्होंने को नहीं देखी, जे IG की दुखास देखे उसने कोई एक्शन नहीं लिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। शहर लाहौर में पुलिस गर्दी का एक और वाक़या रिपोर्ट करने जा रहा हूं। वाक़या कुछ यूं है कि 13 तारीख को शाहिद नामी शख्स वफाकी कलोनी इलाका थाना जौहर टाउन में एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है चोरी की। पहले 15 पर कॉल करता है, लेकिन जब वो थाने जाता है इंक्वायरीज बैठती हैं तो जब वो नहीं मानता, साजबाज पे नहीं आता, सुलह सफाई पर नहीं आता, तो उसको क्या किया जाता है? पाबंदे सलासल कर दिया जाता है 751 करके। ये पुलिस वालों का पुराना वतीरा है कि जो मुलजम ना माने उसको 751 करके अंदर डाल दो, सुबह तक वो खुद ही मान जाएगा। आज हम आए हैं हाशिम स्ट्रीट पर, वो बैठते हैं शाहिद साहब, उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे क्या ज्यादती हुई, किस तरह हुई, किन किन पुलिस अफसरान ने उसको सुना और फिर भी वो इंसाफ का मुतलाशी है, क्यों मुतलाशी है। DIG साहब, ये सारी चीज़ें आपके नोटिस में लाना बहुत ज़रूरी है। आए नाज़रीन चलते हैं। ऐसा हुआ कि मेरा हॉस्टल से चोरी हुई है। ओके। 15 पे कॉल की है, दिलावर नामी बंदा वहाँ पे पहुँचा है। ओके। 3 मुलजम पकड़े हैं उन्होंने। कौन कौन से? अजहर, जैन और फहीम, उनसे सामान भी उन्होंने बरामद करवा लिया है। अच्छा, बरामदगी हो गई? जी, बरामदगी हो गई। ओके। फिर उसको मुझे कहा कि जी आप ऐसा करें, थाने चलें, हम मुलजम को लेके आते हैं। मैं थाने पहुंचा हूं तो बैठा रहा हूं 2 घंटे तक, वो ना मुलजम आए ना वो सिपाही आया। वहाँ मैं दोबारा हॉस्टल गया, वहाँ भी नहीं थे। दोबारा आया तो मुंशी साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि एप्लीकेशन लिख के दें। नहीं, पुलिस कैसे पहुँची आप तक? पुलिस 15 पर कॉल की, मैंने 15 पर कॉल की थी। 15 पी कॉल पे ये दिलावर नामी बंदा वहाँ मौका पे पहुँचा था। ओके। तो वहाँ पहले तो मुलाजम को पकड़ा, उसने मुलाजम थोड़ा सा तशद्दद किया, मुलाजम मान गया जी ये अजहर, जैन और हम तीनों वहाँ अशफाक के हॉस्टल से सामान उठा के लेके आए हैं। तो पुलिस वाले उस अशफाक के घर गए, अशफाक पहले पता लग गया था पुलिस पहुंची हुई है, वो आदमी गायब हो गया, वो भी मुलव्वज था इन लोगों में। तो उसके बाद मैं जी थाना पहुंचा, ये मुलजम नहीं पहुंचे, ना पुलिस वाला पहुंचा दिलावर नामी। तो उसके बाद मैंने दोबारा एप्लीकेशन दी, दिलावर को मैं फ़ोन करता रहा हूँ, उसने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। तो उसके बाद इजाज़ ASI के पास वो आई है, तफ्तीश वगैरह जो भी होता है। क्या नाम था उस ASI का? इजाज़ अहमद। इजाज़ अहमद एक फूल वाले हैं, दो फूल वाले हैं? मैं एक फूल वाले थे वो, तो उसे ASI ही कहते हैं। जी जी, वही था। उसने बस 2 दिन मुझे ट्रकाए रखा, 3rd दिन बंदे भेजे हैं वहाँ पे, हॉस्टल पहुँचे हैं मुलजमान को पकड़ने के लिए। आगे से वहाँ पे कोई FBR का कोई डिप्टी डायरेक्टर जो अपने आप को जुबैर नामी कहता था, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, उसने पुलिस वालों को भी, 2 सिपाहियों को भी डांटा और साथ उसने मुझे भी बुरा भला कहा। उन्होंने मुँह पर ही बुरा भला कहा जी, पुलिस को भी बुरा भला कहा। पुलिस की मौजूदगी में आपको वो गालियां देने पर आ गया, धमकी दी है। ये हॉस्टल वाले सब हॉस्टल गवाह हैं, उन्होंने गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। खैर, पुलिस वाले भी वापस आ गए जी, इनको कल का टाइम दे दिया, ये पहुंचेंगे। फिर ये ना पहुंचे, दोबारा जब ये SHO पे पेश किए हमें इजाज़ ASI ने, तो SHO ने भी थोड़ा बहुत ऐसे वैसे करके जी हमें भगा दिया, नहीं है ये है वो है टम पटम। मैंने आके फिर 15 पे कॉल की है, दोबारा 15 पे कॉल, 15 पे कॉल की है, सर मेरे साथ ये मसला हुआ है, ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है। कह रहा जी हमने ना, हम ये कुछ नहीं कर सकते, ये 1787 IG साहब का नंबर है, वहाँ पे अपनी शिकायत लिखवाएं। खैर, मैंने वहाँ पे शिकायत लिखवाई तो उन्होंने मेरी इंक्वायरी DSP थाना टाउनशिप लगा दी। मैं वहाँ हाज़िर हुआ तो DSP ने उन मुलजमान को बुलाया, 2 मुलजमान हाज़िर हुए, 2 हाज़िर नहीं हुए। कौन से मुलजमान हाज़िर हुए? जैन और अजहर हाज़िर हुए, अशफाक और फहीम हाज़र नहीं हुए। मैंने DSP साहब को कहा, सर 2 मुलजमान को आप बुलाएं तो सही ना, फिर ही मौक़िफ़ सामने आएगा कि अशफाक के घर से एक सामान चोरी हुआ है। खैर जी, वो DSP साहब ने कुछ ना सुना।
खैर जी मुझे कहा अच्छा जाओ अपना सामान रिकवर करो, मैं घर वापस हॉस्टल आया, उन्होंने मुझे कोई सामान नहीं दिया, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, ज़रूरी कागजात, कोई ब्लैंक चेक, कोई ये वो काफ़ी सारे चाहिए। मैंने फिर 1787 पे कॉल की, दोबारा कॉल की, उन्होंने मेरी इंक्वायरी लगवा दी SSP के पास। जब मैं SSP के पास हाजिर हुआ तो वहाँ पर मुझे थाना ग्रीन टाउन SP का रीडर अवैस, उसने जाके DSP को फ़ोन किया, उन्होंने अपने बारे में आके कुछ आपस में बात की, मुझे आके अवैस कहता है तुम थाना जाओ, वहाँ जाके SH को कहो पर्चा दो काटेगा, मौका देखेगा, सामान बरामद करेगा। मैं खैर दोबारा जी थाना में आ गया, थाना में आके मुझे SH ने कहा तू सुलह करनी कि नहीं करनी, वो मैं कहा सर जी सुलह कर। वही टिपिकल रवैया जो पुलिस का होता है नाजरीन, वही टिपिकल रवैया जो पुरानी पुलिस होती थी, ओए सुलह करनी है कि नहीं करनी, कि ताड़ा ते नोमी। तो मैं कहा सुलह किस बात की, मुझे तो SSP के रीडर ने, सॉरी SP के रीडर ने और DSP के रीडर और DSP ने मुझे भेजा है कि पर्चा कटवाओ, वो कहता असी पर्चा पुर्चा यार को नहीं करना, सुलह सलाह कर लो। मैं कहा जी किस वजह तो सुलह कर लिए। अच्छा। मैंने कहा जी मैंने 1787 पे की हुई है कॉल, मुझे 1787 पे उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट दी हुई है कि जी DSP साहब ने हमें रिपोर्ट भेज दी है कि ये लेन देन का मामला है, कोई पैसे पूसे देने थे। मैंने कहा जी दो मुलजमान हाजिर होंगे तो पता चलेगा ना पैसे लेने हैं या मैंने लेने हैं। उसने SH ने कच्चा खड़ा हो, उसने जाकर ना DSP को फ़ोन किया, पता नहीं किसको फ़ोन किया, वापसी आया उसने सैफ नामी कोई मुंशी सा या क्या था मुझे नहीं पता, कल सुने उसके कान में फूक मारी है, मुझे यहाँ से उसने पकड़ा है। अच्छा, कॉलर से पकड़ा है? कॉलर से पकड़ा है, ले जाके उसने मुझे हवालात में बंद कर दिया, हवालात में बंद करने ही लगे थे। मैंने कहा यार मुझे थ्रेट कर रहे हैं, तो मैंने ये अपना फ़ोन निकाला, मैंने कहा मैं 15 पे कॉल करता हूँ, उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया, मुझे हवालात में बंद करके लॉक कर दिया जी। कितनी देर हवालात में रखा? मुझे एक रखा तो मुझे उन्होंने रात को 8 बजे बंद किया था, अगले दिन 12 बजे निकाला उन्होंने, तो 1 घंटे मैंने भी मैंने कहा जी मैंने कौन सा ही कत्ल किया है, मैं सुबह मजिस्ट्रेट को बताऊँगा जाके। तो उसके बाद उन्होंने ये किया, बाहर जाके फिर मशवरा किया, फिर उसके 1 घंटे बाद उन्होंने वो जो मुलज़म था एक अज़हर नामी सिर्फ उसको लाया, उसको मेरे साथ उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, उस वाह कमाल हो गया। नाजरीन इनका कहना यह है कि जो मदई हैं उन्हीं के साथ मुलजमान को भी बंद कर दिया गया, सिर्फ एक मुलजम को। अच्छा, एक मुलजम को बंद किया गया। उसने आके मुझे ये कहा ओ शाहिद अपना ना कुछ परे यार परे सुला सवाई कर ला, मेरी तो सिर्फ जमानत हो जानी है, तेरी जमानत कौन कराएगा, पर्चा कटा देंगे, थ्रेट करने का निजाम, तेरा तो फोन भी खो लिया, तेरे पीछे भी हूँ किसे नहीं आना, तेन तो अंदर जेल दे भेज देंगे, और मैं क्या देखी जाएगी जड़ी होएगी। खैर उसके बाद जी उन्होंने ना फिर 1 घंटे बाद मुझे ना जब मैं नहीं माना मुलजम के कहने पे, हम दोनों को बाहर निकाला है, बाहर बैठने के लिए जगह नहीं थी, मुझे वो तंग कर रहे थे, कभी उधर बैठा कभी उधर बैठा। कौन सा थाना था? ये थाना वफाकी कलोनी जोहर टाउन, वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है कि आम आदमी बैठ सके। मैं जाके एक बेंच पे बैठा हूँ तो उन्होंने मुझे वहाँ से भी उठा दिया, तंग कर रहे थे मुझे, तो मैंने एक किसी तरह टूट जाए। खैर जी उन्होंने मैनू दोबारा बुलाया उन लोगों ने, मैंने ना एक मुंशी SH अपने कमरे चला गया, तो एक सिपाही आया बड़ा ही रहम दिल सा था, पर मैंने उसे कहा यार यकीन करो, मैंने कहा मैं शुगर का मरीज हूँ, मुझसे बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझे हवालात में बंद कर दो, मैं वहाँ बैठ तो सकूँगा ना। उसने ऐसे ऐसे करके देखा है, उसने आके मुझे फिर हवालात में बंद कर दिया। तो मैंने कहा यार मुलजम कितने, कंधा जो तो घर में चले गए ने, यानी 1 घंटा आपके साथ बंद रह के वो फिर घर चले गए, वो घर चले गए हैं। मैंने कहा जी मैंने कहा जी SHO को बुलाओ, SHO साहब यहाँ की गल है भाई, मैं सर जी ये की हो की रहा है, कहता तेनों सवेरे पता लगेगा दसागा, तू जरा बह जा। खैर जी मैं फिर बैठ गया। खैर जी उन्होंने सुबह आया, मैं वहाँ बैठा रहा हवालात में, 11:30 बजे उन्होंने दोबारा वो मुलजम को ला के मेरे साथ बंद किया है। तो फिर उन्होंने कहा सुलह करो, मैंने कहा मैंने नहीं करनी जी, फिर हम दोनों को बाहर निकाला है। तो उसके बाद उन्होंने कहा भी इन्हें इवें नहीं मनना प्यार नाल, इन्हें अगे भी 1787 से रिपोर्टा लगातियां ने। अच्छा, इन्हें फिर इन्हें फोन कर देना असी टूंगे जाना वा, तो इन्हू फड़कना 5 फिट करो। दीदार कराया वो राजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है जी? बिल्कुल, लंबी जी चीज़ जड़ी होंदी है ना, जो होता है जो मुलजमों को मारते हैं वो तो एक अलहदा चीज़ होती है, जो उन्होंने उसकी जो है ना आवाज़ काम आती है, चोट ज़्यादा लगती है, जो डराने के लिए रखा होता है
थ्रेड करने के लिए रखा होता है। जे मदईयों के लिए इन्होंने कुछ स्पेशल किस्म का बनाया हुआ है। अच्छा, जिसकी आवाज कम आती है, चोट ज्यादा लगती है। तो उसने कहा, मैंने देखा, मैंने कहा यार पांजा खा के भी तो सुलह ही करनी है ना, तो मैं कहा जी ले आओ जी, इतने सैन कराने। मैं साफ उन्होंने कहा, मैं कहा जी मेरे को अंगूठे लवा लो, मेरे को पैरों के अंगूठे लवा लो, पर यह ना दिखाओ मैनू। खैर जी, उन्होंने वो रपड़ वगैरह लिखी हुई थी, रपड़ की बैक साइड पर मेरे पे सैन करवाया उन्होंने। जब मैं जाने लगा हूँ तो पीछे से पुलिस वाला आया, कहता गल किधर दूँ। मैं कहा यार हूँ तो मेरी जान छड़ दो। कहता नहीं, तेन तो मजिस्ट्रेट को जाकर चढ़ना। और मैं कहा मेरी हालत वेख, मैं मजिस्ट्रेट को पहुँचने वाला है। कहता नहीं, सू नोट ला। फिर यकीन करें, उसने मेरी जेब में रात को पसीना आया था, यहाँ पे हजार लोगों नोट लग रहा था, उसने वो निकाल लिया। सब पीछे से मुलजम पार्टी अजहर आ गया, तो उन्हें कहा असी 7,000 रुपया असी देने हैं। उन्होंने 7,000 साढ़े को, 7,000 उन्होंने देता, उन्होंने 8,000 ला के उन्होंने सानू घर आन दिता। अच्छा मुझे ये बताएं, एक रात आप जेल में गुजार के आ गए, हवालात में पाबंदे सलासल रह के आ गए, इंक्वायरियां आपने मुख्तलिफ जगह पर भुगत ली, अब क्या चाहते हैं आप? सर मैंने अब क्या चाहना है, जे सीपीओ को दरख्वास्त दी उन्होंने को नहीं देखी, जे आईजी की दरख्वास्त देखे उसने कोई एक्शन नहीं लिया, जे डीआईजी को दी, डीआईजी को मैंने कहा, डीआईजी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जे पुलिस अपने बदमाशी करती है, मैंने 55 साल की उम्र में 50 दफा थाने गया हूँ, अब मुदई बंद कर गया हूँ, पर्चा कटवाए हैं, आज तक मैंने हवालात नहीं देखी। मैंने मुदई बंद कर हवालात देखी है, भेजता हूँ पुलिस पर, ऐसी पुलिस पर ये क्या कर समझती है, बदमाश बनते हैं। कूल डाउन होने कूल होने की बात नहीं है सर, ये मैं कूल क्यों हो जाऊं, ये दोनों बैठे रहते हैं एसपी आके, ये मैं मारता हूँ सबको, फिर मैं मारता हूँ, फिर ये मैं दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। मैं नाजरीन, इस वक्त ये अपना आपा खो बैठे हैं, इस वक्त बिल्कुल आपा खो बैठे हैं। आप परेशान ना हो, आपकी दादरसी होगी, जरूर होगी, आप हमारे भाई हैं, इस तरह ना करें, ना रोएं यार, परेशान ना हो, परेशान नहीं होते मेरे सारे चेक, मेरे प्लान, नहीं नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी थी, आपके गोश्त गुजार करनी थी, क्योंकि जहां पर जुल्म होगा वहां पर उर्दू पॉइंट की टीम काम करेगी, करती है, करती रहेगी। अगर सवाल पूछना हमारा जुर्म है तो ये जुर्म हम हर घंटे करेंगे। हम अजाज ASI का मौकफ लेने के लिए उसे कॉल कर रहे हैं और जानते हैं कि एक शरीफ शहरी के साथ पुलिस गर्दी का जो वाकया हुआ है कि एक बंदा दरख्वास्त लेकर थाने जाता है, बजाय उसकी दादरसी करने के उसे ही जेल में ताड़ लिया जाता है, ये कहाँ का कानून है? अजाज ASI साहब बात कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर हो जी सर। सर एम इमरान बटर्स कर रहा हूँ उर्दू पॉइंट से, क्या हाल चाल हैं सर आपके? हाँ जी ठीक है। अच्छा सर, ये एक शाहिद नामी बंदा है, ये आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने पूरी रात इसको पाबंदे सलासल किया, क्यों किया? एक मदई होने के बावजूद आपने इसको पाबंदे सलासल किया, क्यों किया? यानी कि मदई अगर आए चोरी का परचा लैके, FIR दरहास उन्हें चोरी की दी है, तो उत्थे लड़ पवे तो 57 करके दवान थ्रेड कर दौ। मैं SHO साहब सन पार्टी सुनी थी। अच्छा, 57 कर दी है, लड़ते हैं कि दफ्तर तो इजाज साहब मैं मिल सकते हो, तुम टाइम दे सकते हो कि DIG साहब ने मना किया कैमरे अगर नहीं आना कल नूं, तुसीं ऐ तो नहीं कहोगे कि यार तुसीं साडा मौकफ लिया नहीं तो तुसीं वीडियो चला दित्ती है? चलो SHO साहब नूं भी पुछ लांगे। फरकान साहब नहीं, पेश
बॉस उस जस्टिस का ना सिविल जज का ना दसो कि अदालत च कराया सी जनाब ने सर तुसी पेश कराया तो तुहानू नहीं पता कि नैब कोर्ट नू दे के भेजा सी तुसी हां जी उन्होंने भेजा नैब कोर्ट पेश करान गया सी तुसी नहीं सोगे नहीं मैं नहीं ठीक हो गया बहुत शुक्रिया सर अपना बहुत ख्याल रखना है इजाज़ साहब अल्लाह ने के बाद ए एस आई नहीं है ये गलत बता रहे हैं वो हैं जी एस आई सब इंस्पेक्टर थाना वफाकी कलोनी जौहर टाउन इलाका थाना जौहर टाउन है तो वो कह रहे हैं कि ये वहाँ पर झगड़ा इन्होंने किया अब जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी कोई सेफ साइड तो करनी है ना एक बंदा चोरी की दरख्वास्त लेके जाता है यू कैन इमेजिन एक बंदा चोरी की दरख्वास्त लेकर जाता है जाता वहाँ पर चोरी की दरख्वास्त लेकर है और उसे 751 में फंसा कर पाबंदे सलासल कर दिया जाता है कितना बड़ा जुल्म है